अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग का पीसीवी वाल्व को क्लीन किया जाता है। कोई भी कार का पीसीवी वाल्व जो रहता है उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के लिए हम लोग पहले इसका जो एयर फिल्टर का बोल्ट, सब एयर फिल्टर का बोल्ट खोल लेना होगा। आपका जो कार्बोरेटर का जो लगा होगा एयर पाइप, उसको भी खोल लेना होगा। खोलने के बाद पीछे रहता है कोई गाड़ी का, कोई गाड़ी का आगे रहता है, जो लाइट आके कार्बोरेटर के साथ कनेक्ट रहेगा। ये वाला है पीसीवी वाल्व का कनेक्शन। इसको खोलेंगे, अंदर से खोल के क्लीन करके फिर फिटिंग करेंगे। एयर फिल्टर बॉक्स को रिमूव करने के बाद हम लोग का पीसीवी वाल्व का लाइन दिख गया। ये वाला है पीसीवी वाल्व का लाइन, जो कि इसको खोल के क्लीन करना है। और ये आप लोग का हो गया इंजेक्टर्स, चारों इंजेक्टर, ये पीसीवी वाल्व। पीसीवी वाल्व को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को चाहिए 14 नंबर का स्पैनर। और इसको, ये थोड़ा टाइट रहता है, हम लोग लूज़ कर चुके हैं तो अभी खुल जा रहा है। खुलने के बाद कैसे साफ़ करते हैं दिखाते हैं। और पीसीवी वाल्व कैसे पता करें ये ठीक है कि नहीं है, ये हम लोग का पीसीवी वाल्व निकल गया है। अभी देखिए, चेक करने से कोई साउंड नहीं आ रहा है, मतलब पीसीवी वाल्व चोक हो चुका है अभी तक। और ये आपका 1,00,000 किलोमीटर में रिप्लेस करना चाहिए और एवरी सर्विस में इसको क्लीन करना चाहिए। ये साउंड आप सुनिए, हल्का कट 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 साउंड आ रहा है। और साइड से चेक करने से कुछ साउंड ही नहीं आएगा, तो फिर ये ठीक है। और इस जो कट कट साउंड है, चोक हो गया बोल के बहुत स्लो आ रहा है। इसको क्लीन करने के बाद ये साउंड कैसे बढ़ता है देखिए। पीसीवी वाल्व को क्लीन करने के लिए हम लोग को चाहिए कैप स्प्रे, नहीं तो कार्बोरेटर स्प्रे। उसके बाद इसको मार के जो नोजल है आगे पीछे दोनों साइड से नोजल को मार के साफ करना है। ये फुल्ली चोक था, ये फुल्ली चोक था, अभी ये वाला क्लियर हो जाएगा। आप लोग घर में भी साफ कर सकते हैं। अभी साउंड देखिए कैसे इंक्रीज हो गया, इसका साउंड इसका इंक्रीज हो गया। अभी ये वाला साफ हो गया, इसको फिटिंग करते हैं। और ये पीसीवी वाल्व क्लीन हो गया, अभी हम लोग इसको टाइट करेंगे। टाइट करके सबको जो निकाले थे उसको, जैसे निकाले थे उसे फिक्स करेंगे। पीसीवी वाल्व हर सर्विस में क्लीन किया जाता है और 1,00,000 सर्विस पे उसको रिप्लेस किया जाता है। गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वाइट स्मोक का, वो बंद हो गया। एग्जॉस्ट पाइप देखिए, कुछ भी हवा नहीं है, आपके वाइट स्मोक ही नहीं है। और